खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से, जहां पुरानी दुश्मनी को लेकर एक 50 वर्षीय शख्स की 9 लोगों ने पीट पीट कर जान ले ली। हत्या की खबर लगते ही गांव में हड़कंप मच गया। मृतक के भतीजे कालीचरण यादव की रिपोर्ट पर से पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना शिवपुरी जिले के पौरी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम अतवई की है। अकेले शख्स को घेर कर 9 लोगों ने धारदार हथियारों से उसकी हत्या कर दी। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक द्वारिका यादव उम्र 50 साल निवासी अतवई अपनी मोटरसाइकिल से सेवाखेड़ी गांव से अपने गांव अतवई लौट रहा था। तभी पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही 9 लोगों ने लाठी डंडे कुल्हाड़ी और तलवार से द्वारिका यादव के ऊपर हमला बोल दिया। आरोपियों ने शख्स को जब तक पीटा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। दादा क्या नाम है आपका? अरे हाँ, आज जो अतवई में विवाद हुआ वो आपके कौन लगते थे? मेरा भाई मार डालो। किस चीज को लेकर विवाद हुआ? किस चीज को लेकर विवाद? वो तो विवाद तो बहुत दिनों को घर मकान थे हमारे से चल रहे, बहुत पुरानी विवाद पट्टी मर्डर केस कर दिया। तो आज क्या विवाद की स्थिति? आज रास्ता में यार उठा कर सेवा के लिए बोल रहे हैं वो अगर तो मैं बगड़ा नहीं पाता जैसे और मार मूल बता दो जब हमारे विवाद तब फिर हमने गोली मारी हमारे बाप हम बच जाते होंगे थे तब नाराजी ने बजरा छत पे से गोली मारी या मन में ऊपर से कहीं में मारी फिर वो तो मारी जा रहा हूँ हम वही पे हूँ जितने आए हुए थे तो बाकी रास्ता के आने हो रहा होगा कहीं गया था मकान होंगे ये फलाने का गया हमें धर्मवीर के मकान के द्वार के आने वो रास्ता सेवा के लिए बाप मरो डरो हम से आए पाँचों सेवा बाप बेटा ऊपर सेवा ने हमने में गोली दही वो तो मरो पे तो मैं डरो। कितने लोगों ने ये हत्या की है? जी है जी कितनी कहने पे 9 लोग हैं। 9 लोगों ने हत्या की। आज एक अतवई में घटनाक्रम हुआ है, क्या कुछ हथियारों से उसके साथ मारपीट की गई है? ये जो आज घटना हुई है मुझे कंट्रोल रूम द्वारा सूचना मिली थी। सूचना प्राप्त होने पर मैं पीएम हाउस पौरी पहुंचा। पहुंचने के बाद जब सबको देखा गया तो सबके सिर में एक बहुत बड़ा घाव है जो किसी धारदार हथियार का है। इसके अलावा भी शरीर में कई चोटें हैं और एक लेफ्ट साइड का उसका पैर भी फ्रैक्चर है। सर किसी समूह के द्वारा ये पूरा घटनाक्रम रचा गया है या केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा? नहीं, इसमें एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं।